नमस्कार फ्रेंड, हर्षिता ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 42 चेस्ट साइज सूट की कटिंग, जिसमें हमारा गला रहेगा वो बैक गला रहेगा वो 9 इंच रहेगा। तो उससे पहले आपको बता दूं कि 8 इंच 7 6 5 4 और बंद गला और कॉलर वाला के कटिंग हमने देख ली थी, वो भी डिफरेंट डिफरेंट सेट चेस्ट साइज से, जिसमें हम 40 38 36 साइज़ का भी देख लिया था और 32 साइज 34 साइज़ का भी देख लिया था, और ये हम 42 साइज़ में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें आपको इसका रीजनल पर आपको हर साइज़ के पेंट के कटिंग के वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे, और हमारी चैनल पर आपको हर साइज़ के प्लाजो कटिंग के 2 डिफरेंट स्टेप से हर साइज़ के वीडियो भी देखने को। तो इसका जो हमारा मेजरमेंट कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले ऊपर दिख जाएगा। इसकी जो हमारी लेंथ है वो हम 38 इंच रख रहे हो, आप अपने हिसाब से जो भी लेंथ है वो रख सकते हैं। इसकी जो हमारी चेस्ट है वो 42 इंच है, कमर है वो 37 इंच है, और हिप है 44 इंच है, शोल्डर है इसका हमारा 15.5 इंच है, और इसका जो हमारा आर्म होल है वो हमारा 18 इंच है, उसका हमारा फ्रंट नेक है वो हमारा 7 इंच है, और बैक नेक है वो हमारा 9 इंच है। तो हमें इसी मेजरमेंट से कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें कपड़ा किस तरीके से रखना है। तो उसका हमारा एक वीडियो बन गया है जिसमें हमने कपड़ा किस तरीके से रखते हैं और फिर उसका हमने सारा प्रोसेसर बताया था, और वो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था, 22 मिनट्स का हो गया था। तो वो वाला वीडियो आप देख कर भी सीख सकते हैं कि हमें कपड़ा किस तरीके से रखना है। तो ये वीडियो में आपको सिर्फ नॉर्मल जानकारी दूंगा कि आपको कितना लूजिंग देना है, और ये जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया वो हमारा बॉडी मेजरमेंट है, वो तो मैं उसमें आपको नॉर्मल बताऊंगा कि हमें कितना लूजिंग देना है, वो सब आप मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये हमारी लाइन खींचने के बाद अभी हम इसकी सबसे पहले लेंथ देखेंगे। तो लेंथ देखने के समय आपको याद रहे कि सबसे पहले हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। तो इसका जो हमारा आर्म होल आएगा वो करीबन हम आर्म होल का मार्किंग 6 इंच पर करेंगे, लेकिन आप ये जो हम मार्किंग करते हैं वो हमारे अंदाज से मार्किंग करते हैं, इसका ऊपर नीचे भी करना पड़ता है। उसके बाद हम कमर देखेंगे। तो इसकी जो आप कमर अपने हिसाब से जो भी कस्टमर आप जब भी नाप लिया होगा कस्टमर का बॉडी मेजरमेंट से, तभी आप देख कर कर सकते हैं। यहाँ पे हम 15 इंच पर रख रहा हूँ, और यहाँ पे हम 21 थी तो हम 21.5 इंच पर रखेंगे, और उसके बाद आपकी जितनी भी लेंथ है हम यहाँ पे 39 इंच लेंथ रख रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा जो हम फोल्डिंग करेंगे उसके लिए, और फिर सभी लाइनों को हम मिला देंगे। तो ये हमारा इतना मार्किंग हो जाने के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपर चेस्ट देखना है तो यहाँ पे करीबन हमारा ये जो हमारा चाइज है 42, यहाँ पे हमारा करीबन 10.5 इंच पर आएगा, यानी यहाँ से आप करीबन 4 या 4.5 इंच पर, अगर 40 साइज रहेगा और 40 से नीचे रहेगा तो आप 3.5 इंच पर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा चेस्ट 3.5 या 4 इंच पर आता है, लेकिन 40 के बाद 4.5 इंच पर भी आप लगा सकते हैं, और यहाँ से ऊपर से 10.5 इंच पर मार्किंग लगा दीजिए। ये हमारा इतना हो जाने के बाद ये भी मार्किंग को हम स्ट्रेट मार्किंग मिला देंगे। ये हमारा इतना हो जाने के बाद सबसे पहले हम इसकी चेस्ट देखेंगे। तो चेस्ट में हम समझ लीजिए इसकी हमारी 42 इंच है, और इसमें 3 इंच का लूजिंग देंगे, और हाँ अगर आप फिट पहनना पसंद करते हो तो आप यहाँ पे 2 इंच का लूजिंग देंगे तो भी चलेगा। इसकी जो हमारी बैक नेक है वो 9 इंच है, लेकिन आप 3 इंच का लूजिंग देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे 42 इंच है तो उसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे, तो ये हमारा करीबन होएगा 45 इंच। 45 इंच होएगा तो उसको हम 4 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा आगे पीछे 2 पल्ला है, और ये हमारा आगे का और ये पल्ला हमारा पीछे आएगा, तो यहाँ पे हमें इसको 4 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा करीबन आएगा करीबन 11.25 आएगा करीबन। तो यहाँ पे 11.25 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फुल चेस्ट है वो अगर आपकी 43 या 44 रहेगी, समझ लीजिए 43 रहेगी, तो यहाँ पे 43 रहेगी, तो यहाँ पे हमने 3 इंच का लूजिंग दिया, बल्कि यहाँ पे हमें 1 इंच का ही लूजिंग देना है। तो यहाँ पे हमारी 43 इंच रहेगी फुल चेस्ट, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हम 1 इंच का लूजिंग देंगे तो ये हमारी 44 हो जाएगी, उसको हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये करीबन हमारी 11 इंच आएगी। तो ये एक मार्किंग हम यहाँ पे 11 इंच पर लगा देंगे। ये हमारा इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हम
कमर देखेंगे तो कमर थी वो 37 इंच थी, तो 37 इंच में भी हम 3 इंच का लूजिंग देंगे, तो 3 इंच का लूजिंग देंगे तो ये हमारा करीबन हो जाएगा 40 इंच। तो 40 इंच को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा करीबन आएगा 10 इंच। तो एक मार्किंग हम 10 इंच पर लगाएंगे और उसके बाद हम इसका हिप देखेंगे, तो इसकी जो हमारी हिप थी वो हमारी थी करीबन 44 इंच। तो उसको हम उसमें हम 1 इंच का लूजिंग देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा कट खुल जाएगा, तो हमें उसमें लूजिंग नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे 1 इंच का लूजिंग देंगे तो ये हमारा करीबन हो जाएगा 45 इंच। 45 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा सेम वही प्रोसेस 11.5 इंच। तो यहाँ पे हम 11.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे और उसके बाद हम दामन का मार्किंग करेंगे। तो दामन का मार्किंग आपने कस्टमर का लिया हुआ है तो उसको 2 के साथ डिवाइड करके यहाँ पे आप लगा सकते हो, लेकिन आपको कस्टमर बोलता है कि हमें स्ट्रेट दामन चाहिए तो यहाँ पे देखिए 11.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे आप 11.5 या 12.5 इंच कर देंगे तो भी चलेगा। आपको यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही रखना है और ये हमारा इतना हो जाने के बाद यहाँ पे आप जितना भी मार्किंग देना चाहते हो आप अपने हिसाब से मार्किंग दे दीजिए और उसके बाद हम ये सभी लाइनों को मिला देंगे। और हाँ, एक ख़ास बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, देखिए अगर यहाँ पे तो हमारा बराबर आ रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ पे हमारा ये समझ लीजिए 9 इंच ही आ रहा था तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बहुत सारा डिफरेंस हो जाता था क्योंकि हमें वो, लेकिन हमें वो नहीं करना। यहाँ पे हमारा देखिए 9 इंच आ रहा था तो यहाँ पे 9 इंच और एक एक्स्ट्रा मार्किंग करके यहाँ पे टक्स लगाना था चेस्ट के थोड़ा नीचे और हिप के थोड़ा ऊपर एक टक्स लगा देना है। और यहाँ पर हम 3.5 या 4 इंच इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है वो करीबन हम 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और ये चेस्ट के नीचे और हिप के थोड़ा ऊपर और यहाँ पर भी हम 3.5 इंच या 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। ये हमारी थोड़ी हैवी साइज हो गई तो 4 इंच 4 इंच करेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे एक बीच में तो यहाँ पे है एक हमारा है टक्स आ जाएगा तो ये हमारा यहाँ पे बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे टक्स लेना नहीं है। मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर आपका इतना फ़र्क आ जाए तो आपको यहाँ पे चेन भी कर देना है क्योंकि यहाँ पे हमारा जब कस्टमर डालेंगे तो यहाँ हिप उसको कमर यहाँ से हिप नहीं जाएगा तो यहाँ पे हमारा फटने का चांसेस या फिर कस्टमर वापस आएंगे, इसके लिए आपको चेन कर ही देना है। ये हमारा इतना हो जाने के बाद यह सभी लाइनों को हम मिला देंगे। इसका हमारा जो शोल्डर था वो हमारा करीबन था 15.5 इंच, लेकिन हमें यहाँ पे 9 इंच गला खुला है इसके लिए 15.5 इंच नहीं रखना बल्कि यहाँ पे देखिए 6 इंच रखेंगे तो भी चलेगा। 9 इंच गला खुला है और हेवी साइज़ है इसके लिए। अगर समझ लीजिए यहाँ पे आपकी साइज़ 40 या 38 होती तो हम यहाँ पे 5 इंच या 5.5 इंच का रखें तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमारी 42 साइज़ है इसके लिए हमें यहाँ पे 6 इंच का करना है और एक्स्ट्रा सिलाई इतनी हमारी एक्स्ट्रा सिलाई का देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप जितना भी ब्रॉड देना चाहे उतना ब्रॉड आप दे सकते हैं। ये हमारा इतना हो जाने के बाद ये फूटा लेंगे और उसके यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट नहीं करना बल्कि इसको यहाँ से इस तरीके से क्रॉस करना है जितना आपका अच्छे से क्रॉस आए, क्योंकि यहाँ पे हमारा गला थोड़ा डीप है इसके लिए ज़्यादा यहाँ पे क्रॉस आ सकता है। ये हमारा इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हम इसको शेप देंगे। समझ लीजिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से हल्का सा अंदर की तरफ क्रॉस देंगे क्योंकि यहाँ से हमारा शोल्डर ना उतरे इसके लिए, क्योंकि गला बहुत सारा डीप है इसके लिए। ये हमारा इतना हो जाने के बाद अभी हम इसका शोल्डर देखेंगे, तो इसका जो हमारा शोल्डर था शोल्डर ना उतरे इसके लिए, लेकिन यहाँ पे इसको हम आर्म होल बोलते हैं, तो हमारा इसका आर्म होल था वो हमारा करीबन 18 इंच था, तो यहाँ पे 18 इंच का आधा हमारा होना चाहिए 9 इंच, तो यहाँ पे हमारा ये 9 इंच आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा 9 इंच आ गया है, तो ये हमारा एकदम परफेक्ट है, तो इसमें हमें कुछ भी करना नहीं है। अगर आपका यहाँ पे 9 इंच नहीं आता तो यहाँ ऊपर और नीचे करके भी आपको 9 इंच लाना ही है। ये हमारा इतना हो जाने के बाद अभी हम इसके आगे का आर्म होल का शेप देंगे, तो आप आगे का आर्म होल का शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। आपको आर्म होल कर्व से देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, या फिर आपको आप इस तरीके से देना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। अभी सबसे पहले हम इसका गला देखेंगे, तो ये देखिए इसका हमारा आगे का गला अभी हमें यहाँ से नहीं देखना बल्कि ये हमें यहाँ से देखना है गला। तो ये देखिए यहाँ से हम गला देखेंगे तो इसका आगे का गला है वो हमारा 7 इंच है, तो हमें यहाँ पे देखिए 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पे हमें 7.5 इंच रखना है। और उसके बाद पीछे का गला देखना है तो ये हमारा 9 इंच है, तो यहाँ पे हमें करीबन 9.5 इंच पर रखना है।
क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में दबेगा। और याद रहे कि आपको पीछे का गला, ये देखिए आपने यहाँ पे इतना डीप दिया है, तो यहाँ पे आप इतना भी डीप दे सकते हैं, लेकिन आपको कस्टमर के हिसाब से देना पड़ेगा कि आपका कस्टमर कितना पहनता रहेगा वो आपको मालूम रहेगा, तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मार्किंग कर दिया है, लेकिन आपको याद रहे कि ये हमारा आगे का है, तो ये हमारा आगे का इतना रहेगा और ये हमारा पीछे का इतना रहेगा। आप अगर कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए ये हमारा आगे का है वो हमारा 3.5 है, और यहाँ पे हमारे पीछे का है वो भी हमारा 3.5 इंच ही आएगा। देखिए यहाँ पर 3.5 इंच, और ये देखिए यहाँ पर भी 3.5 इंच थोड़ा बाहर है, तो यहाँ पर भी थोड़ा बाहर है, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ है, ये हमारा पीछे का यहाँ है, तो ये हमारा यहाँ है। आप शायद समझ गए होंगे मेरे ख्याल से पूरा ट्यूटोरियल मैंने किस तरीके से आपको अच्छे से समझाया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वापस से एक बार और देख के भी समझ सकते हो कि किस तरीके से। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कटिंग किस तरीके से करना है। तो समझ लीजिए, सबसे पहले हमें पीछे का पार्ट कटिंग करना है, लेकिन गला हमें पीछे का अभी नहीं काटना है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से और ये हमें पूरा कटिंग कर देना है आगे पीछे सब में। तो ये हमारा इतना हो जाने के बाद पीछे का पार्ट हमें हटा देना है और पीछे का गले का मार्किंग करके गला कटिंग कर देना है, और पीछे का पार्ट हमारा हो गया है। और उसके बाद हम इसका आगे का गला देखेंगे, तो ये देखिए हमारा आगे का गला हम यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट है वो यहाँ तक कटिंग कर देंगे। यहाँ तो हमारा कटिंग हो ही चुका होगा पहले से, और उसके बाद हम यहाँ पे और यहाँ पे कट लगा देंगे, तो हमें मालूम पड़े हमें सिलने के टाइम आसानी रहे। और उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो इसकी मदद से पीछे की साइड पर भी मार्किंग कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ट्यूटोरियल समझाने के लिए डीप गले का मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे आपको किया हुआ है। और हाँ, इसकी अस्तिन के कटिंग की वीडियो और इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी हमारी ऑलरेडी बन चुकी है, जिसमें हमने साइड में यहाँ पे दूरी लगाई हुई और जिप भी लगाया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। और इसके अस्तिन की कटिंग की वीडियो, इसके अस्तिन किस तरीके से कटिंग करेंगे वो हम अलग अलग आर्म होल के हिसाब से अलग अलग साइज़ के हिसाब से, देखिए 3, 5, 9, 15 और 20 के अस्तिन और नाप के ड्रेस या ब्लाउज से किस तरीके से अस्तिन कटिंग करेंगे उसका वीडियो हमारा ऑलरेडी बन चुका है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देखने को मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। धन्यवाद, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।